भारतीय शेयर बाजार पिछले 2-3 सप्ताह से शानदार रैली दिखा रहा है। दोनों प्रमुख इंडाइसेस यानी BSE सेंसेक्स और निफ्टी ने कई बार उच्च स्तर का नया रिकॉर्ड बनाया। पिछले सप्ताह भी यही सिलसिला जारी रहा। हालांकि सप्ताह के अंतिम दिन यानी शुक्रवार को घरेलू बाजार में मुनाफा वसूली देखी गई। अब सोमवार से नया सप्ताह शुरू हो रहा है। अब अगले हफ्ते शेयर बाजार का हाल कैसा रहेगा यानी किन किन फैक्टर्स पर बाजार की दशा और दिशा तय होगी, ये जानने के लिए आपको हमारे वीडियो अंत तक देखना होगा। अगले हफ्ते की रणनीति जानने से पहले पिछला हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिए कैसा रहा था पहले ये जान लेते हैं। पिछला हफ्ता शेयर बाजार के लिए काफी दमदार रहा। सेंसेक्स ने पहली बार 67,000 का आंकड़ा छुआ था। सेंसेक्स पिछले सप्ताह 0.82% चढ़कर 66,684.26 पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी 0.89% की तेजी के साथ 19,745 पर क्लोज हुआ था। सोमवार से कई बड़ी कंपनियों के पहली तिमाही के नतीजे आएंगे जिसका असर भारतीय शेयर बाजार पर पड़ेगा। 24 जुलाई से शुरू होने वाले हफ्तों में जिन बड़ी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं उनके नाम जान लेते हैं। 24 जुलाई टाटा स्टील, कैनरा बैंक, HDFC, AMC, TVS मोटर। 25 जुलाई एशियन पेंट्स, L&T, बजाज ऑटो, SBI लाइफ, टाटा मोटर्स, डिक्सन, जुबिलैंट फूड। 26 जुलाई एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, BPCL, सिप्ला, टाटा कंज्यूमर्स। 26 जुलाई टेक महिंद्रा, कोलगेट, डॉक्टर रेड्डी, OFSS, PNB, सिंजीन। 27 जुलाई बजाज फिनसर्व, BEL, बी सॉफ्ट, कोरोमंडल, IEX, इंडियन होटल। 27 जुलाई इंडस, स्टार, इंटेलेक्ट, लाल पैथ लैब, नेस्ले। 28 जुलाई एक्साइड, IOC, महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस, मैरिको, SBI कार्ड, UBL। 29 जुलाई NTPC, IDFC फर्स्ट बैंक, MCX। यानी पूरा हफ्ता एक्शन पैक्ड रहेगा, इसलिए आप इन शेयरों को अपने रडार पर रखें। अब आइए दूसरे फैक्टर्स पर। अगले सप्ताह सबसे बड़ा डेवलपमेंट अमेरिका में होने वाला है जो पूरी दुनिया के शेयर बाजार पर बड़ा असर करेगा। अमेरिकी सेंट्रल बैंक सोमवार से शुरू हो रहे सप्ताह के दौरान ब्याज दरों पर अहम निर्णय लेगा। फेडरल रिजर्व अपने फैसले का ऐलान 26 जुलाई को करेगा। ऐसा माना जा रहा है कि फेडरल रिजर्व इस बार भी ब्याज दरों को 0.25% बढ़ा सकता है। जापान का सेंट्रल बैंक भी सप्ताह के दौरान ब्याज दरों पर फैसला लेने वाला है। बैंक ऑफ जापान का निर्णय 28 जुलाई को सामने आएगा। अब आइए FPIs और FIIs के आंकड़ों पर। FPIs की ओर से भारतीय शेयर बाजार में लगातार खरीदारी की जा रही है। जुलाई महीने में अब तक FPIs ने 48,300 करोड़ का निवेश किया है। वहीं FIIs ने भी जुलाई में अब तक 17,700 करोड़ की खरीदारी की है। अगर ये आंकड़ा इसी तरह पॉजिटिव बना रहा तो भारतीय शेयर बाजार नए रिकॉर्ड हाई पर जा सकता है। अब आइए नेगेटिव फैक्टर्स पर। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आना भारतीय शेयर बाजार के लिए नेगेटिव माना जा रहा है। बता दें ब्रेंट क्रूड का भाव $80 के करीब आ गया है। वहीं रिलायंस के नतीजे अनुमान से हल्के आए हैं, इस वजह से यानी रिलायंस के नतीजों का बाजार पर असर होगा। IPO का क्या अपडेट है ये जान लेते हैं। अगले हफ्ते स्टॉक मार्केट में 3 कंपनियों की लिस्टिंग होने वाली है। निवेशकों के पास 857 करोड़ रुपए के कुल 5 पब्लिक इशू में निवेश करने का मौका होगा। मेन बोर्ड सेगमेंट में नोएडा स्थित हॉस्पिटल चेन यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज का IPO 26 जुलाई को खुलेगा। इसमें 28 जुलाई तक निवेश किया जा सकेगा। 687 करोड़ के इस IPO के लिए 285.300 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। वहीं नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया के शेयरों की लिस्टिंग 27 जुलाई को होगी। ग्रे मार्केट में ये शेयर 75% प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। SME सेगमेंट में भी भरपूर एक्शन रहेगा। चेन्नई स्थित ज्वेलरी कंपनी खजांसी ज्वेलर्स का IPO 24 जुलाई को खुलेगा। इसका IPO प्राइस 144 रुपए से 97 करोड़ रुपए का ऑफर 28 जुलाई को बंद हो जाएगा। यासंस कैमेक्स केयर का 20.57 करोड़ रुपए का IPO भी 24 जुलाई को खुलेगा। इसके अलावा श्री टेक टेक्स का 45 करोड़ रुपए का IPO 26 से 28 जुलाई के दौरान सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। सर्विस केयर 26 जुलाई को NSE SME पर और अशारफी हॉस्पिटल 27 जुलाई को BSE SME पर लिस्ट होगा। तो हमने आपको शेयर बाजार से जुड़ी तमाम जानकारियां दी। अगर आप शेयर बाजार में किसी भी तरह का ट्रेड लेना चाहते हैं तो अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें।